हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितांशु पांडे आपका एनजीआईटी ऑफिशियल पर स्वागत करता हूं। अभी तक हमने नंबर सिस्टम का पार्ट वन और नंबर सिस्टम का पार्ट टू पढ़ लिया है। नंबर सिस्टम के पार्ट टू में हमने गुणा पढ़ा और हमने दशमलव पढ़ा। आज हम दशमलव के आगे भिन्न की शुरुआत करेंगे और भिन्न को समझेंगे कि भिन्न क्या होता है, भिन्न का जोड़ कैसे होता है, भिन्न का घटाना कैसे होता है, भिन्न का गुणा कैसे होगा और भिन्न का भाग कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, भिन्न। भिन्न बहुत ही आसान टॉपिक है जो दशमलव से ही संबंधित होती है। कैसे, देखिए, अगर आपके पास कोई एक चीज है, ठीक, मान लीजिए आपके पास कोई एक चीज है, आप इसको भाग में डिवाइड करते हैं। पहली भी चीज तो आपके पास कितनी चीज थी, एक, ठीक। एक को आपने क्या किया, एक को दो भागों में बांट दिया। ये दो भी तो यही एक है, क्योंकि इसी एक से ये दो भाग निकले हैं। अब इन दो भागों में कौन सा हो गया, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, ठीक। ये दोनों मिलाकर पूरा एक बना रहे हैं, ठीक। अब इसका मतलब ये कौन सा भाग हुआ, इसका आधा भाग हो गया, ठीक, क्योंकि ये दो भाग में से एक भाग है। देखिए, ये ऊपर वाला अंश होता है, क्या होता है, अंश, और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है, ठीक। हर क्या होता है, किसी पूरे भाग में जितने भाग, किसी पूरी चीज में जितने भाग, कोई वस्तु है उसमें जितने भाग बनाए जाएंगे वो क्या होंगे, हर कहलाएंगे। और इस चीज में जितने भाग बनाए गए, उन भागों में से जितना भाग लिया जा रहा है वो क्या होगा, आपका अंश होगा। इस पूरी एक चीज में जितने भाग बनाए गए वो आपका हर हुआ, और उसमें से जितने भाग लिए गए, एक भाग लिया गया ये वाला, एक ऊपर आया। अगर हम ये दोनों भाग ले लें तो दो ऊपर आ जाएगा। आई बात समझ में। अब ये दो से जब कटेगा, दो एक कम दो और दो एक कम दो, एक बटे एक बराबर एक हो जाएगा। पूरा एक भाग आया कि नहीं आया, पूरा एक सामान आ गया जो आपने लिया था, जिसको आपने भागों में विभाजित किया था। अब हम समझते हैं कि मान लीजिए कोई चीज आपके पास एक और है, और इसमें आपने चार बराबर भाग किए। अब चार भाग किए तो हर क्या बन जाएगा, चार, क्योंकि आपने किसी एक चीज में कितने भाग कर दिए, चार। अब हम इसमें से अगर दो भाग ले लेते हैं, या मान लीजिए हम तीन भाग ले लेते हैं, हमने ये तीन भाग इसमें से ले लिया, तो ये क्या था, ये भी एक बटे चार था, ये भी एक बटे चार था, ये भी एक बटे चार था, और ये भी एक बटे चार था। लेकिन हमने कितने भाग लिए, एक दो और तीन, तो ऊपर कितने भाग आएंगे, तीन। कितने में से, चार में से। अंश जो होता है वो जो जितने भागों में चीज को बांटी गई, वस्तु को बांटा गया, उसमें से जितने भाग आप निकाल रहे हैं। आपने वस्तु को 10 भागों में बांट दिया, उसमें से आप 7 भाग अगर ले रहे हैं तो अंश 7 हो जाएगा और हर 10 हो जाएगा। आपने वस्तु को 100 भागों में बांट दिया, उसमें से आप 50 भाग ले रहे हैं तो अंश 50 हो जाएगा और हर 100 हो जाएगा। आई बात समझ में। इस तरह से भिन्न का निर्माण होता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि भिन्न में ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर। अब एक नियम यह है कि भिन्न का जो अंश होता है और भिन्न का जो हर होता है, अगर कोई संक्रिया यानी कि गुणा या भाग, ठीक, ये गुणा और अंश बटे हर में अगर आप किसी चीज का भाग कर रहे हैं, समान चीज का, तो भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं आता। आई बात समझ में। अगर अंश में हम किसी चीज का गुणा करें और सेम चीज का, उसी चीज से, उसी संख्या से अगर हम हर में गुणा कर दें तो भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उसी तरीके से अगर अंश में हम किसी संख्या से भाग दें और सेम संख्या से हर में भी भाग दे दें तो उसके भी भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो भिन्न समान वैसे बनी रहेगी। कैसे, जैसे आपने लिखा दो बटे चार, आप ऊपर भी दो से भाग दीजिए, नीचे भी, तो दो एक कम दो, एक और दो दूनी चार, ठीक, एक बटे दो आया। कल मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, क्या, दशमलव। अच्छा, दशमलव में मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह लिखा रहे तो भाग कैसे करते हैं, आप दो को अंदर लिख लीजिए, ये भाज्य हो गया और चार आपका भाजक हो गया, चार आपका भाजक हो गया, ठीक। अब ये दो जाएगा नहीं, तो यहां दशमलव बढ़ा के 20 बनाएंगे, चार पंचे 20। आई बात समझ में। अब इसी तरीके से हम एक बटे दो को करते हैं, तो एक आपका भाज्य हो गया और दो आपका भाजक हो गया, क्योंकि नीचे जो होता है वो भाजक होता है, जो ऊपर होता है
वो भाज्य होता है। ये फिर से नहीं जाएगा एक दो से, तो दशमलव लगा के जीरो बढ़ाएंगे और दो पंचे दस। देखिए यहाँ भी दशमलव पाँच आया और यहाँ भी दशमलव पाँच आया, कोई परिवर्तन हुआ? हमने इसमें ऊपर नीचे दोनों में दो से भाग दिया तो कोई परिवर्तन हुआ? अब ठीक ऐसे ही देखिए आप, अगर मान लीजिए हम ऊपर दो से गुणा कर देते हैं और नीचे भी दो से गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा, दो दूनी चार और नीचे चार दूनी आठ। ठीक, अब आप भाग दीजिए, हमने चार में आठ से भाग दिया, सीधे नहीं जाएगा क्योंकि चार आठ से छोटा है, दशमलव लगाएंगे यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, आठ पंचे चालीस। देखिए अब भी दशमलव पाँच ही आ रहा है, कोई परिवर्तन हो रहा है? इसका मतलब भिन्न में किसी चीज, किसी संख्या से हर और अंश में या फिर अंश और हर में अगर भाग या गुणा किया जाए तो उससे अंश और हर में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन ये जोड़ और घटाना नहीं करना है आपको, जोड़ घटाना करने पर भिन्न में परिवर्तन हो जाएगा। ये खाली आपको क्या करना है, गुणा करना है और भाग करना है। ठीक, ये तो छोटी छोटी बातें हुई भिन्न के बारे में। अब हम समझते हैं कि भिन्न कैसे बनती हैं और भिन्न का जोड़ और घटाना। अब कैसे ने देखा कि किसी चीज़ में अगर हम कुछ भागों को करें और उसमें से कुछ भाग निकालें तो जितने भाग हमने उस वस्तु में किए हैं वो हर बनती है और जितने भाग उन भागों में से हम निकालते हैं वो अंश बनता है। अब हम देखते हैं कि भिन्न का जोड़ कैसे होता है। भिन्न को जोड़ने के कई तरीके होते हैं। आप चाहे तो हर का लासा निकाल के जोड़ सकते हैं, आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ सकते हैं, आप चाहे तो हर को बराबर करके भिन्न को जोड़ सकते हैं। जिसमें से सबसे आसान तरीका होता है कि आप भिन्न का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरेक गुणा करके उसको सॉल्व करें, और अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप लासा भी निकाल सकते हैं। मैं आपको तीनों तरीके बताऊँगा, जो आपको आसान लगे आप उससे चीज़ों को सीख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप मेरे तरीके से करना चाहें तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, क्योंकि छोटी छोटी भिन्नें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बहुत तेज़ी से सॉल्व होती हैं। कैसे, जैसे आपको कोई भिन्न दे दिया गया तीन बटे चार, ठीक, और कोई भिन्न दे दिया गया मान लीजिए प्लस में पाँच बटे सात। अगर आपको चार और सात का लासा, पहले मैं लासा से बता रहा हूँ, अगर आपको एलसीएम निकालना हो, लघुत्तम समापवर्त निकालना हो, तो चार और सात का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, सात चौ अट्ठाईस। ठीक, आप एक लंबी लाइन खींचिए, उसके नीचे आप अट्ठाईस लिख लीजिए। अब पहले वाले भिन्न के हर से इस लघुत्तम समापवर्त में, इस एलसीएम में भाग दीजिए। चार का पहाड़ा कितनी बार आप पढ़ेंगे, सात बार, तो सात बार जब जाएगा तो अट्ठाईस कट जाएगा, और जो आ रहा है आपका भागफल, भागफल में क्या करिए, तीन से गुणा कर दीजिए। हमने क्या किया, अट्ठाईस बटे चार किया, चार सात अट्ठाईस, भागफल कितना आया, सात आया, और इस सात का क्या किया, तीन में गुणा किया, तो कितना आया, इक्कीस आया। फिर हमने बीच में धन का चिन्ह था, धन का चिन्ह लगाया। अब हमने क्या किया, सात से अट्ठाईस भाग दिया, तो कितना आया, सात चौ अट्ठाईस। अब जो चार भागफल आया अट्ठाईस बटे सात करने पर, ये चार भागफल आ रहा, इसको पाँच में गुणा करिए, अब कितना हो गया, ये इकतालीस बटे अट्ठाईस। ठीक, ये तो था लघुत्तम समापवर्त से करना। अब इसी चीज को हम देखेंगे तिर्यक गुणा से कैसे होता है। तिर्यक गुणा में सबसे पहले आप इसका इसमें गुणा कीजिए, फिर इसका इसमें कीजिए, और फिर इसका आप हर का हर में कीजिए। तीन प्रोसेस है, सात्विक 21, चार पंचे 20, और हर का चार सत 28। देखिए उत्तर फिर भी वही आएगा, उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम इसी चीज का हर समान करने की कोशिश करते हैं। हर कैसे समान होगा, मैंने कहा किसी भी संख्या से अगर आप हर और अंश दोनों में भाग गुणा या भाग करते हैं तो भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये चार है और ये सात है, हम कोशिश करें कि ये और ये समान हो जाए, तो कैसे होगा, अगर हम इसमें सात का गुणा कर दें, मैं यहाँ किनारे लिख लेता हूँ, फिर से तीन दूसरा भिन्न ले लेता हूँ, मान लीजिए दो बटे चार प्लस पाँच बटे छः। ठीक, अब देखिए ये छः है और ये चार है, ठीक है,
अब दो का आप ऐसा पहाड़ा पढ़िए ये दोनों समान हो जाए, तो दोनों से ऐसी कौन संख्या जो कटेगी, 12, यानी कि 12 दोनों के गुणा में, दोनों के पहाड़ा में आएगा। तो हम इसको भी 12 बना लें और इसको भी 12 बना लें, कोई समस्या होगी कैसे? अब इसको 12 बनाने के लिए हम ऊपर और नीचे 3 का गुणा कराते हैं, और इसको 12 बनाने के लिए हम ऊपर और नीचे 2 का गुणा कराते हैं। अगर आप अंश और हर में समान संख्या से गुणा या भाग कर रहे हैं तो भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये 2 तिहाई 6 और 4 तिहाई 12, और ये 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 आ गया। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ ये निकलती है कि अगर भिन्न के हर समान रहें, भिन्न के हर समान रहें तो जो अंश होता है वो आपस में जुड़ता और घटता है। अब भिन्न के हर समान हो गए तो हर को एक बार आप ऐसे लिख लीजिए, और अंश क्या कर दीजिए, आप ऐसे जोड़ दीजिए सीधे सीधे। अब क्या हो गया, 10 6 16 बटे 12 और 4 तिहाई 12 और 4 चौ 16, ठीक, ये क्या आ गया, 4 बटे 3 आ गया। आई बात समझ में? इस तरीके से भिन्न का हर बराबर करके अंश को जोड़ या घटाकर उत्तर निकाला जाता है। और ये नियम है कि अगर भिन्न का हर बराबर हो, क्या हो, हर बराबर हो, तो क्या होता है, अंश सीधे सीधे, अंश जुड़ता और घटता है। ठीक, एकदम आसान सी चीज है। जैसे आप ले लीजिए, मान लीजिए आपने लिखा a बटे बी और प्लस सी बटे बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस सी और बटे बी। अंश हर को एक बार ऐसे देखिए, हर यहाँ भी b है यहाँ भी b है, यानी हर दोनों का समान है। हमने हर को एक बार सीधे लिख लिया और ऊपर की चीज़ों को ऐसे जोड़ लिया। ठीक है, ये जब हर समान होता है तो ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब एक चीज़ मैं और आपको भिन्न के बारे में बताता हूँ। हमने देखा कि एकदम साधारण भिन्न का जोड़ कैसे होता है। अब मैं एक चीज़ आपको छोटी सी बताता हूँ। जैसे कोई भिन्न लिखी हुई है 4 बटे 3 और कोई भिन्न लिखी हुई है 3 बटे 4, हमेशा ये कोशिश की जाती है कि अंश जो है हमेशा हर से छोटा रहे। क्या रहे, अंश जो है वो क्या रहे, हर से छोटा रहे। ये तो एकदम सही फॉर्मेट है भिन्न बनाने का, ठीक। लेकिन अगर किसी कंडीशन में हर जो है वो अंश से छोटा हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये मिश्रित भिन्न का रूप लेने लगता है। कैसे, देखिए अगर 4 बटे 3 है, आप 4 में 3 से भाग देंगे, ऊपर वाला भाज्य होता है नीचे वाला भाजक, तो 3 एकम 3, अब यहाँ 1 बचा। अब इसको अगर लिखा जाए कि 4 बटे 3 को भिन्न में कैसे लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 सही 1 बटे 3, ठीक। ये देखिए 1 सही 1 बटे 3, इसको कैसे किया जाता है, अगर 1 सही 1 बटे 3 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि 1 पूरा पूर्णांक है, ठीक, और प्लस में क्या है 1 बटे 3। अगर यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 एकम 3, भाई इसके नीचे भी तो 1 होगा कहीं ना कहीं, तो क्या करते हैं 3 एकम 3 और 1 एकम 1, तो 3 प्लस 1 और नीचे 3 एकम 3, ये क्या हो जाता आपका, फिर से 4 बटे 3 हो जाता। ये इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, मतलब 1 प्लस 1 बटे 3 को क्या लिखा जाता है, 1 सही 1 बटे 3, क्यों, क्योंकि 1 यहाँ पे पूर्णांक आया था। अब इसके बाद जो चीज़ें जाती वो किस में जाती, दशमलव में जाती, क्यों, अगर 1 को काटना होता तो 1 3 से छोटा है और उसको काटने के लिए यहाँ क्या लगाना पड़ता हमें, दशमलव, 1 पूरा पूर्णांक रहता, उसके बाद की चीज़ें दशमलव में रहती, इसलिए हमने यहाँ पर देखिए 1 पूरा पूर्णांक बना लिया था और उसके बाद की चीज़ों को भिन्न में लिख दिया था। उसके बाद क्या बचा था आपका, 1 बटे 3, क्योंकि 1 ही तो 3 से काटा जाता है, इसलिए हमने 1 को अंश में लिखा और 3 को हर में लिखा। आई बात समझ में? इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाऊंगा और आपको और समझाता हूँ। देखिए हम देखते हैं, जैसे अगर मान लीजिए 2 बटे 2 सही 2 बटे 5 है मान लीजिए आप, और इसी के साथ प्लस में क्या है,
तीन सही, 2/7 है। इसी के साथ प्लस में क्या है, चलिए 2 अंकों का ही हम लेते हैं। ये कैसे किया जाएगा, इसका तात्पर्य हुआ दोस्त ये 2 सही 2 प्लस 2 सही 2/5 और फिर ये प्लस का चिन्ह, ये यहाँ पे आ रहा है प्लस, और ये 3 हमने बताया था इसके बाद भी बीच में प्लस होता है 2/7। ये हो गया, इस भिन्न को हमने पूरा क्या कर दिया, खोल दिया। अब देखिए, अब ये 2 और 3 पूर्णांक हैं और प्लस में हैं, तो 2 और 3 जोड़ लीजिए ऐसे, और प्लस का चिन्ह बीच में है ही है हर जगह, प्लस का चिन्ह लगाया। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या जुड़ेगा, 2/5 और प्लस 2/7। हमने क्या कर लिया, पूर्णांक को एक तरफ कर लिया और भिन्न के भाग को एक तरफ कर लिया। अब ये चीज़ आसानी से जुड़ जाएगी, इसका योग अगर मिश्रित भिन्न का आपको योग या जोड़ या घटाना करना हो तो हम चीज़ों को ऐसे खोल लेते हैं। अब ये आसानी से जुड़ या घट जाएगी, कैसे देखिए, 2 और 3 5 प्लस, अब यहाँ देखिए 7 × 14 प्लस, प्लस का चिन्ह है ना, 5 × 10 और 7 × 5 = 35, ठीक, 14 10 24/35, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 5 सही 24/35। आई बात समझ में, 7 × 14 और 2 × 5 = 10, 14 10 24 और 5 = 35। अब इसको चाहे तो आप 35 × 5 में कर लीजिए, फिर इसमें 24 जोड़ दीजिए, कैसे, ये क्यों कह रहे हैं हम कि 35 × 5 में कर लीजिए, देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। कल मैंने आपको बताया था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन में शेषफल, याद है, कल मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई थी, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब देखिए, जब आप भाग देते हैं, मैंने आपको क्या बताया, मान लीजिए आपने 3 से 4 में भाग दिया, आपने 3 से 4 में भाग दिया, 3 × 1 = 3, 1 बचा, ये क्या है आपका भागफल। तो मैंने कहा चलिए मैं यहाँ 5 कर लेता हूँ, ताकि आपको, नहीं दोनों एक रहेगा तो आप कंफ्यूज होंगे, 5 कर लेता हूँ, फिर आप समझिए चीज़ों को, ठीक, यहाँ क्या बचा, 2 बचा। अब ये 1 जो है, मैंने कहा था ऐसे लिखिए, फिर ये जो 2 आपका यहाँ नीचे शेषफल बचा है इसको ऊपर लिखिए, और ये जो 3 है इसको नीचे लिखिए। अब आपसे मैंने क्या कहा, कहा कि भाजक गुणे भागफल, भाजक क्या है इसमें, 3 है, भाजक गुणे भागफल, भागफल क्या आया है, 1 आया है, तो 3 × 1 और धन शेषफल क्या आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा, कैसे, 3 × 1 = 3, यानी कि 3 × भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल, 3 × 1 = 3 = 5, यही तो भाज्य था 5, यही तो भिन्न हमने बनाया था कि 5/3, 5/3 से ही तो हमने इसको सॉल्व किया। अब देखिए 5 आ गया कि नहीं, अब 5 को किससे भाग दिया जा रहा था, 3 से, बन गया वही भिन्न 5/3 फिर से, आई बात समझ में, क्योंकि यहाँ 3 × 1 = 3 = 5 और 5/3, देखिए 5/3 बन गया, और यही 5/3 कैसे भाग हुआ था बता रहा था मैं आपको, कैसे, भाजक गुणे भागफल धन शेष। जो लोग कहते हैं अगर ए सही B/C लिखा हुआ है, इसका इसमें गुणा फिर इसका इसमें जोड़ा, कैसे समझ में आएगा क्यों इसका इसमें गुणा और इसमें इसका इसमें जोड़ होता है, ये तरीका होता है उसका, वो इस भाग के फार्मूले पर, भाग के नियम पर चलता है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको साधारण भिन्न बता दिया उसका जोड़ कैसे होगा, और मिश्रित भिन्न का जोड़ बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि साधारण भिन्न और मिश्रित भिन्न का घटाना कैसे होता है। जैसे जोड़ होता है बिल्कुल उसी तरीके से घटाना होता है, बस जहाँ जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है, धन का चिन्ह लगा हुआ है, वहाँ पर हम घटाने का चिन्ह, सब्ट्रैक्शन का मार्क, वो सिंबल लगा देंगे। अभी हमने साधारण भिन्न का जोड़ और मिश्रित भिन्न का जोड़ पढ़ा, अब हम देखते हैं कि साधारण जो सिंपल फ्रैक्शन होता है उसका घटाना, और जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है उसका घटाना कैसे होता है। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई भिन्न है, क्या मान लीजिए A/B है और माइनस C/D है, ठीक, D का गुणा A में क्या हुआ, D A माइनस, माइनस का चिन्ह था माइनस लगा, B का गुणा C में, ठीक, पहला नंबर और दूसरा नंबर, अब B का गुणा D में तीसरा नंबर, माइनस B/C, और यहाँ पे ये लंबा सा जो है
फ्रैक्शन का चिन्ह लगाया और बी और डी का गुणा कराया तो बी गुणे डी आ गया। ठीक, आई बात समझ में? इस तरीके से होता है। अब देखिए, जैसे एक सवाल लीजिए आप, मान लीजिए आपके पास 2/3 और माइनस 1/3 है। अगर हर समान है तो सीधे सीधे घट जाएगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 - 1/3 बराबर 1/3। देखिए कैसे, अगर आपके पास कोई चीज़ थी, मान लीजिए आपने उसमें तीन हिस्सा कर दिया, आपका 1/3 हो गया, 1/3 हो गया और 1/3 हो गया। आपने दो भिन्न लिए, ये और ये, दो पार्ट आपने ले लिया। ठीक, तो यही क्या बन गया आपका, तीन, मतलब तीन हिस्सा टोटल था जिसमें से दो हिस्सा आपने लिया और इसमें से आपने क्या घटाया, 1/3, 1/3 हटा लिया, या फिर ये 1/3 नहीं, ये 1/3 इसमें से घटा लिया, क्योंकि एक पार्ट अब ले रहे हैं ना आप तीन में से। अगर आप दो पार्ट लिए हैं और इसमें से एक पार्ट आप हटा दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं, इसमें से क्या बचेगा, एक ही पार्ट तो बचेगा तीन में से, तीन में से एक ही पार्ट। तो भाई तीन पार्ट तो पूरा है। आपने मान लीजिए एक रोटी में तीन टुकड़े किए, उसमें से दो टुकड़े लिए, फिर एक टुकड़ा आपने वापस दे दिया, तो आपके पास कितना टुकड़ा बचा, एक ही टुकड़ा तो बचा। तो वही देखिए, 2/3 में से 1/3 हमने घटाया तो 1/3 आ गया। अब आपको समझ में आया कि हर अगर बराबर रहता तो क्यों ऊपर का ऊपर से घट जाता है और ऊपर का ऊपर से जुड़ जाता है। अब हम देखते हैं इसी तरीके से, मान लीजिए आपके पास 3/4 है, ठीक, और माइनस आपके पास 2/3 है। अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो आपको बताया था मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 * 9, 4 * 2 माइनस का चिन्ह माइनस लगाया, 4 * 2 = 8 और 4 * 3 = 12, 9 - 8 = 1/12। आई बात समझ में? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऐसे होगा। बाकी एलसीएम से भी मैंने आपको बताया था कि 4 और 3 का एलसीएम ले लीजिए आप, वो क्या आएगा, 12 आएगा। फिर इसके हर से एलसीएम को भाग आप डिवाइड कीजिए, इसका भाग दीजिए एलसीएम में, तो 4 का पहाड़ 3 बार पढ़ेंगे तो 12 कट जाएगा, भागफल 3 आएगा। उस भागफल का इस भिन्न के अंश में गुणा कर दीजिए, क्योंकि इसी भिन्न के हर से आपने भाग दिया था, यहाँ 9 आ जाएगा 3 * 3 का, फिर माइनस का चिन्ह माइनस का लगाएंगे, इस 3 से अब 12 में भाग देंगे तो 3 * 4 = 12, 4 बार जाएगा, 4 भागफल को इसके अंश से फिर गुणा कर दीजिए, 8 आएगा और ये फिर से 1/12 आंसर आ जाएगा। ठीक, एकदम आसानी से, बेहद आसान चीज़ होती है। इसी तरीके से मिश्रित भिन्न भी होता है। मान लीजिए आपके पास 1 * 2/3 होता और माइनस में, मान लीजिए आपके पास ये 2 * 1/2 होता और माइनस का 1 * 3/5 होता। ठीक, आई बात समझ में? 2 * 2/3 और 1 * 3/5 होता। अब ये कैसे सॉल्व होगा, मैंने आपको बताया कि ये पूर्णांक है और ये पूर्णांक है, ठीक, कोई बात नहीं सर, ये पूर्णांक है, लिख लिया, बीच में किसका चिन्ह, भाई ये क्या था, ये 2 + 2/3 -1 + 3/5, यही तो है, ये इसके बीच में प्लस ही रहेगा, यहाँ माइनस नहीं आएगा, 1 + 3/5 है ये, ठीक, और ये 2 + 2/3 है। तो अब 2 से अगर आप 1 को घटा रहे हैं तो ये माइनस का चिन्ह लेके आएगा, अब यहाँ बीच में प्लस है, ठीक, ये प्लस और ये प्लस, ये दोनों प्लस है ना, तो यहाँ बीच में प्लस आएगा, और फिर दूसरे ब्रैकेट में 2/3 से 3/5 आप घटाएंगे, 2/3 से 3/5 आप घटाएंगे। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 + 5 * 10 और 3 * 3 = 9, यानी कि 10 में से 9 गए, 1/15 क्या आया, 1 * 1/15 आपका आंसर आया। अच्छा, यहाँ पे आप करते हैं, हम कोशिश करते हैं इसको मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न में बदलने की, तब कैसे लगता, देखिए हमने क्या किया, इसको मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न में बदलने की हम कोशिश शुरू की। क्या किया, 3 * 6 = 8/3 -5 * 5 = 5 * 3 = 8/5। अब अंश बराबर है, इससे नहीं मतलब अंश बराबर है, हर बराबर होता तो आसानी से होता। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगेगा, 5 * 8 = 40 -8 * 3 = 24 / 5 = 15। ठीक, 40 में से 24 कट गए भैया, 16/15। अब जब आप 15 से 16 में भाग देंगे, मैंने कहा था कि अंश हमेशा छोटा रखिए आप, किससे, हर से, लेकिन यहाँ पे अंश हर से बड़ा है, तो हम 15 में 16 से भाग देंगे तो 1 = 1/15 उत्तर आ जाएगा। यही उत्तर यहाँ भी आया था ना,
उत्तर हमेशा जो आपका आंसर है वो हमेशा सेम आएगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आप नियम चाहे जो लगाएं क्योंकि आंसर वही आना है। आपको अगर इलाहाबाद से मुंबई जाना है तो आप चाहे गुजरात होके जाइए, कानपुर होके जाइए, या सीधे निकलिए इटारसी होते हुए, आप जाएंगे मुंबई ही। बस तरीका ये है कि किसी रूट में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और किसी रूट में आपको कम टाइम लगेगा। सारा मुद्दा यहाँ पे क्या है, आपका समय बचाने का और आपके मस्तिष्क को संतुलित रखने का, क्योंकि जितनी लंबी सवाल आप करेंगे उतना ज़्यादा आप एग्जाम में परेशान होंगे, क्योंकि टाइम आपका जाएगा, आपकी मेहनत जाएगी और आप धीरे धीरे हेजिटेट होंगे, और जितने छोटे तरीके से आप सॉल्व करेंगे उतनी आसानी से आप सवाल को बना पाएंगे। ये तो हो गई थी अभी तक दो अदद की बात, मैं आपको एक एक एग्जाम्पल तीन अदद का दिखा दे देता हूँ कि तीन भिन्न अगर होते हैं तो वो आपस में कैसे जुड़ते हैं, और तीन भिन्न होते हैं तो वो आपस में कैसे। दो अदद वाली भिन्नों का खेल देखा, अब हम तीन भिन्न लेते हैं कैसे। जैसे हमने ले लिया मान लीजिए 2/3 प्लस 1/4, 1/6 ले लेते हैं प्लस 2/5, ठीक, तीन भिन्न हो गई हमारे पास। अब हमें इसे जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे हम, या तो आप हर का लासा ले लीजिए तब भी आप आसानी से जोड़ लेंगे, या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। अब देखिए ये बहुत ज़रूरी बात है, अगर आपके पास तीन भिन्न हो ठीक तो आप कोशिश करिए कि हर का लासा लेकर करिए, लेकिन अगर आपके पास दो ही भिन्न होती तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते, इसमें क्या है आपका समय बचेगा। अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सवाल थोड़ी लंबी होगी, कैसे देखिए 6 × 2 = 12, 3 × 1 = 3 और 6 × 3 = 18, ये क्या हो गया 15/18, कहाँ से, खाली इतने से। अभी हम इस पर नहीं ध्यान देते हैं, ठीक, हम इसको बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे तो चीज़ें कट गई कि 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, ये 5/6 आ गई, लेकिन अगर यही चीज़ अभी ना कटती, यही चीज़ मान लीजिए आ जाती आपका ऐसी संख्या जो 2 से ना कटती, मान लीजिए कुछ ऐसा आ जाता आपके पास कि 9/20 आ जाता, तब क्या करते आप, तब आपके लिए अब ये संख्या बड़ी हो जाती ना यहाँ गुणा करने के लिए, इसलिए यहाँ क्या किया जाता है, हम कोशिश करते हैं कि हर का लासा ले लें। अब क्या करेंगे, जो 5/6 आया है इसी को क्या करेंगे 2/5 में जोड़ देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 2/5 बचा हुआ था। अब 5 × 25 और 6 × 2 = 12 और 6 × 5 = 30, अब क्या हो गया, ये आ गया उत्तर 37/30। अच्छा अगर हम हर का लासा लेते तो 3, 5 और 6 का लासा कितना होगा, 30 होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये 2 × 3 है, 1 × 3 आप ले लेंगे, 1 × 2 और 1 × 5, तो टोटल कितना उत्तर आएगा आपका 30। अब इसके ऊपर 3 × 30 और 3 × 10, अगर 3 से 30 को विभाजित करेंगे तो 10 आएगा भागफल, और 10 × 2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा, फिर 6 से 30 में भाग देंगे तो 5 आएगा भागफल, और 5 × 1 में गुणा करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से 30 में भाग देंगे तो 6 आएगा भागफल, और 6 × 2 में गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 20, 12, 32, 5, 37/30। देखिए उत्तर अब भी वही आ रहा है, जो यहाँ पे आया है वही यहाँ पे आया है, तो इसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तरीका आप चाहे जो अपनाइए। और ठीक इसी प्रकार से घटाना होता है, आप पहले दो अदद को घटा लीजिए, जो आए उससे तीसरी अदद को घटा दीजिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस है, एक यहाँ पर माइनस है, मान लेते हैं ये सवाल आपने नोट कर लिया, अगर आप नहीं नोट कर पाए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर दोबारा पलट के आप वीडियो को देख लीजिएगा। अब मैं बताता हूँ, अगर यहाँ पर माइनस होता ठीक, यहाँ पर प्लस होता, पहले हम इन दो अदतों को जोड़ लेते और फिर इस अदद को घटा देते, पहले हम इन दो अदतों को जोड़ लेते आपस में फिर तीसरी अदद को घटा देते। अब मान लीजिए यहाँ पे प्लस होता और यहाँ पे माइनस होता, तो पहले हम इससे इसको घटा देते फिर जो आता उसको इसमें जोड़ देते, आई बात समझ में। अच्छा कभी ऐसे भी हो सकता है, ये दो अदत आई और यहाँ पर आपको माइनस, मान लीजिए मान लेते हैं हम कि 3/4 मिल गया, यहाँ मिल नहीं रहा है, हम मान लेते हैं यहाँ पे माइनस क्या, ये भिन्न अगर छोटी है ये बड़ी है तो यहाँ पे माइनस हमको 3/4 मिल गया, ठीक, और ये क्या था, ये वाला प्लस का 2/5 था। अब आप कैसे करते, आप कुछ ना करिए, इसको पहले रख दीजिए इसको बाद में, आपको क्या करना 2/5 − 3/4 कर देना था, ठीक, सवाल को ऐसे बनाना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बार चिन्ह बता देता हूँ ताकि आप भी कन्फ्यूज ना हो यहाँ पे, वरना आप इस सवाल में ऐसे कन्फ्यूज होंगे। देखिए दोस्तों, जैसे आपको कोई सवाल दी हुई हो कि 7 − 8 ठीक और प्लस का 4, तो इसका तो एक तरीका है कि
कि पहले जो दोनों प्लस वाले हैं, भाई यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस होगा, यहाँ पर प्लस है, दोनों प्लस वालों को जोड़ लिया जाए, फिर क्या किया जाए माइनस वाले को उसमें से घटा दिया जाए, तो क्या उत्तर आएगा आपके पास, 3। ठीक। अच्छा, इसका दूसरा तरीका ये है, अगर आप सीधे सीधे करना चाहते हैं तो पहले 7 में से 8 घटाइए, 7 छोटा है 8 बड़ा है, और 8 का चिन्ह क्या है माइनस और 7 का चिन्ह क्या है प्लस। मान लीजिए आपने किसी को 8 रुपये कर्जा दिए, ठीक, या फिर आपने किसी से 8 रुपये कर्जा लिए, जब कर्जा लिया आपने तो क्या हो गया माइनस हो गया, फिर आपने उसको 7 रुपये उसमें से लौटा दिया, जब आप कर्जा चुका रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप प्लस में हो रहे हैं, ठीक है। जब 7 रुपये आपने उसे चुकाया तो अभी भी कितना बचा हुआ है, 1 रुपये बचा हुआ है ना, और क्या है वो आपके ऊपर कर्ज है, जो कर्ज है वो क्या है माइनस है। अर्थात जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाई जाती है तो जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वही चिन्ह जो है यहाँ पर आता है, हमेशा यही होता है, चाहे जोड़ हो चाहे घटाना, बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह जो है उत्तर के साथ आएगा। जैसे जब आप 16 में से 5 घटाते हैं, 16 बड़ा है और इसके साथ प्लस का चिन्ह है, हमेशा उत्तर आपका प्लस का 11 आएगा, ठीक। अगर आप 5 में से 16 घटाते हैं, अब क्या है, अब बड़े वाले का चिन्ह क्या है माइनस है, तो 11 तो अब भी उत्तर आएगा लेकिन बड़े वाले का चिन्ह लेकर आएगा क्या माइनस। आई बात समझिए, ये तरीका है चिन्हों को रखने का, यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर आपका माइनस 1 आता, फिर आप प्लस 4 करते, अब देखिए बड़े वाले का चिन्ह क्या है प्लस है, ठीक, और ये माइनस है, तो अब आप इसको पलट भी लेते तो कोई फर्क ना पड़ता, 4 में से 1 गए 3। आई बात समझ में, या फिर आप जब माइनस 1 को 4 में से निकालेंगे तो आपका 3 बचना ही बचना है। इस तरीके से आपको भिन्न में भी चिन्हों को ध्यान रखना है, अगर कोई भिन्न बड़ी है और उसके साथ ऋणात्मक चिन्ह है तो वो हमेशा ऋणात्मक मान देगी, और अगर भिन्न के जो बड़ी भिन्न है उसके साथ धनात्मक चिन्ह है तो वो हमेशा धनात्मक मान देगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको डरना नहीं है कि अब यहाँ माइनस आ गया आप क्या करें, हम आप कैसे लगेंगे, ये आपको नहीं सोचना है, चिन्हों का खेल ऐसे ही होता है। और एक चीज़ लिख लीजिए आप, अगर माइनस और माइनस का गुणा होता है, अगर ये हमेशा प्लस हो जाता है, माइनस और प्लस का गुणा होता है कहीं तो ये हमेशा माइनस हो जाता है, प्लस और माइनस का कहीं गुणा होता है ये हमेशा माइनस हो जाता है, प्लस और प्लस का गुणा कहीं होता है तो ये भी हमेशा प्लस हो जाता है। अर्थात जब दोनों चिन्ह अलग अलग रहें, ठीक, तो हमेशा माइनस आएगा, और दोनों चिन्ह समान रहें तो हमेशा प्लस आएगा, ठीक। इसको आप कहीं पर नोट कर लीजिए और एक बार दो बार देख लीजिएगा, आपके दिमाग में ये चीज़ें बड़ी आसानी से सिर्फ। अभी तक हमने साधारण और मिश्रित भिन्न का जोड़ और घटाना देख लिया, जिसमें हमने 2 भिन्न और 3 भिन्न को साथ में लेकर उत्तर निकाला है। आपको मैं भिन्न का बहुत बेसिक फॉर्मेट पढ़ा रहा हूँ, बहुत आसान चीज़ें जो कक्षा 2, 3 और 4 में आपको आसानी से मिल जाएंगी। मैं इससे ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको मैं यही दिन भर पढ़ाता रहा तो आप फिर यही समझते रहेंगे और आपको भी बोरियत महसूस होगी। क्योंकि इस वीडियो को देखने वाले कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ने में बहुत तेज़ होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पढ़ने में बहुत कमज़ोर होंगे। तो जो तेज़ बच्चे हैं वो ये ना सोचें कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, एकदम बेसिक सी चीज़ पढ़ा रहे हैं जो सबको पता होता है, ठीक। क्योंकि आप उनका भी ध्यान रखिए जो पढ़ने में बहुत कमज़ोर हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, जो कहीं जाकर कोचिंग या फिर ट्यूशन नहीं ले सकते हैं, उनके लिए मैं ये चीज़ें समझा रहा हूँ कि 3 से 4 क्लास एकदम बेसिक लगेगा, ताकि आपकी कैलकुलेशन भी सही हो जाए और आपके दिमाग में चीज़ें आने लगे। क्योंकि जब हम सवाल बताएंगे और प्रैक्टिस करवाएंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम वहाँ पर स्किप करेंगे, हम उसको ये समझ के चलेंगे कि आपको ये चीज़ें आती होंगी, तब आपको ये चीज़ अगर पता रहेगी तो आप समझ जाएंगे कि हाँ सर ने ये स्किप कर दिया, मतलब यहाँ पे ये हुआ था। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता रहेगी तो आप दिन भर सोचते रहेंगे ये सवाल कैसे लग गया, उत्तर कैसे आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, तो ये लाइन नहीं थी, ये लाइन नहीं थी, आप वही दिन भर सोचते रहेंगे। अभी तक हमने साधारण भिन्न और मिश्रित भिन्न का जोड़ घटाना पढ़ लिया, अब हम धीरे से गुणा और भाग पढ़ लेते हैं, ठीक। जब भिन्न का गुणा होता है जैसे a बटे b है और गुणे c बटे d है, तो अंश का अंश में और हर का हर में गुणा हो जाता है, बस इतना सा है और कुछ नहीं है, ये हो गया गुणा आपका। जैसे 3/4 और गुणे 2/5 लीजिए, 3 × 6 = 20। अब आपको ध्यान ये रखना है, आपको इसको सरल भिन्न बनाना है, इसको और सिंप्लीफाई करना है। कैसे, 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 × 3 = 6 और 2 × 20। आप जिस संख्या से हर को भाग देंगे, जिस संख्या से हर को काटेंगे,
उसी संख्या से आपको अंश को भी काटना है, अर्थात जिस संख्या से आप अंश को काटेंगे उसी संख्या से आपको हर को भी काटना है। चीज़ें बस पलट दिया मैंने, हर पहले बोल दिया, अंश बाद में, अंश पहले हर बाद में। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर आप 6 को 2 से काट रहे हैं तो 20 को भी आपको 2 से ही काटना है। ऐसा नहीं कि 6 को आपने 3 से काट दिया, आपने कह दिया 3 दूनी 6 और इसको 10 से काट दिया, साहब 10 दूनी 20, ऐसा नहीं करना है। अगर आपने 6 को 2 से काटा है तो 20 को भी आप 2 से ही काटेंगे, ठीक है। यहाँ पे उत्तर क्या आया आपका, 3/10, और ये अब किसी संख्या से नहीं कटेगा। ऐसी कोई संख्या नहीं जो 3 और 10 दोनों को डिवाइड कर सके, ठीक। ये तो था गुणा। अच्छा, अब गुणा में मैंने अभी आपको चिन्ह बताया था, चिन्ह का भी आप ध्यान रखिए। अगर आपको कहीं ऐसे दे दिया जाता है, मान लीजिए कि -3/4 और -2/5, अब आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना है। देखिए, हमेशा चिन्ह को साथ लेकर चलिए आप। यहाँ पर क्या चिन्ह है, प्लस का, क्योंकि अगर कोई चिन्ह नहीं लगा तो यहाँ पर प्लस होता है। 3 और 2 का गुणा 6, ठीक। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर माइनस और प्लस का गुणा हो तो हमेशा क्या आता है, माइनस आता है, अर्थात ये क्या होगा, -6। 4 और 5 का गुणा क्या हो गया, 20, ठीक। -6/20, फिर आप इसको काट लीजिए, 2 3 6 और 2 2 20, मतलब -3/10। ये आपको उत्तर यहाँ से मिलेगा। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अंश तो माइनस में आप लिख लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि हर को आपको माइनस में ना लिखना पड़े। अगर हर माइनस में है, ठीक, मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 4/-5, ठीक है, तो आप इसका कन्वर्जन करिए कि अंश आपका माइनस में हो जाए और हर प्लस में आ जाए। ये करने का एक बहुत आसान तरीका होता है। एक संख्या होती है -1, मैंने आपसे कहा था किसी भी संख्या से अगर आप अंश और हर दोनों में गुणा या भाग करते हैं तो उससे कोई प्रभाव उस भिन्न पर नहीं पड़ता है। कैसे, -1 एक संख्या है जिसका भैया आप ऊपर और नीचे गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव उस भिन्न पर नहीं पड़ने वाला, वो भिन्न पहले के जैसी ही बनी रहेगी, बस चिन्ह ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हम इसमें गुणे -1 और फिर यहाँ भी नीचे -1, हम अंश और हर दोनों में हम क्या कर रहे हैं, -1 का गुणा करा रहे हैं। अगर हम ये करते हैं तो क्या उत्तर आएगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -4। 5 का गुणा 1 में करेंगे, हमने कहा जब दोनों चिन्ह समान हो जाए तो क्या आता है, हमेशा प्लस आता है। देखिए बदल गया ना, अंश माइनस में हो गया और हर प्लस में हो गया। अर्थात अब कहने का तात्पर्य है कि कोई भिन्न अगर दी हुई है आपको, मान लीजिए दुनिया की, मैं ऐसे लिख देता हूँ, कोई भी भिन्न दी हुई है a/b, b माइनस में है, तो आप सीधे इसे -a/b लिख सकते हैं, कोई दिक्कत क्यों, आपके समझ में होना चाहिए कि हमने ऊपर नीचे -1 का गुणा करा दिया। आपको सीधे चिन्ह क्या करना है, हर से अंश में लेकर चले जाना है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। आई बात समझ में, एकदम आसान सा तरीका था ना। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, वरना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप फिर से पलट के इस वीडियो को देख सकते हैं। अब तक हमने भिन्न के साथ जोड़ घटाना और गुणा तीनों संक्रियाएँ कर ली हैं। आपको कितने भी भिन्न रहे, आपको लिखा रहे a/b, b/c, मान लीजिए ये c/d है, c/d, e/f, ठीक, कुछ नहीं करना, आपको a/c/e कर देना है और नीचे b/d/f कर देना है, कोई दिक्कत। ऊपर का ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से गुणा। चिन्ह का ध्यान रखना है कि अगर कहीं प्लस या माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो उसका आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो 2 माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और ये प्लस के साथ प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत। तो ये पूरा क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अगर तीनों माइनस हैं तो चिन्ह क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि 2 माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तीसरे माइनस के साथ वो माइनस हो जाएगा, ठीक। आपको खाली चिन्हों का ध्यान रखना है। अगर मिश्रित भिन्न है कोई तो आप उसको सामान्य भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर आप गुणा करवाइए। मिश्रित भिन्न को हमेशा आप एकदम साधारण भिन्न में कन्वर्ट कीजिए। जैसे आपके पास कोई भिन्न है 1 सही 1/3, 3 1 3 1 4, तो इसको आप 4/3 पहले लिख लीजिए, 3 1 3 1 4, 4/3 आप लिख लीजिए और उसके बाद आप इसको क्या करिए, फिर जो है गुणा इसका करवाइए। आप मिश्रित भिन्न को हमेशा साधारण भिन्न में बदलने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप जो है प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। बेहद आसानी से आप गुणा और जोड़ और घटाना कैलकुलेट कर लेंगे। हम इसी के साथ अब भाग देखते हैं। अगर भाग रहे आपके पास तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ भाग का चिन्ह लगा हुआ है तो आप a/b को ऐसे लिख लीजिए और यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाइए और इसको पलट दीजिए, इसको d/c कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक।
बेहद आसान है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपके पास 4/3 भागे 1/3 है, ठीक है, या 2/3 है। अब आप क्या करेंगे, अब आप 4/3 को ऐसे लिखेंगे, यहाँ गुणे का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ 3/2 कर लेंगे, कि 3 ऊपर चला गया और 2 नीचे चला आया, हर वंश अंश को हर बना दिया हमने। अब 4 × 12 और 3 × 6, 6 × 6 = 12 बराबर 2/1 बराबर 2 आ गया उत्तर। इस तरीके से आपको भिन्न का भाग सॉल्व करना है, जहाँ भी भाग का चिन्ह दिखे बस आपको अंश और उसके बाद वाला जो भिन्न है, भाग के चिन्ह के बाद वाला जो भिन्न है उसके अंश और हर को पलट कर और भाग का चिन्ह हटाकर वहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देना है। ये तो हो गई भाग की बात। अब हम छोटी छोटी चीज़ें इसमें देखते हैं भिन्न में, ये और क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। आज हमने भिन्न पढ़ा, भिन्न समझा, भिन्न होता क्या है, और भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग, चारों चीज़ पढ़ लिया। ठीक, आपको मैंने भिन्न में मिश्रित भिन्न और उसका जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे होगा, 2 digit 3 digit का गुणा घटाना जोड़ भाग कैसे होगा, ये सब आपको बता दिया है। अब कल मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, भिन्न को दशमलव में बदलना। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ लेकिन मैं 5 मिनट इसमें लूँगा और एक बार फिर से आपको समझाऊँगा भिन्न को दशमलव में, भिन्न को दशमलव में और दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाता है ये बताऊँगा। साथ साथ मैं आपको क्या बताऊंगा कि जो सतत दशमलव होते थे, याद है रिकरिंग जिसे बोलते हैं, यानी कि सतत जो लगातार चलते रहते थे, याद है आपको मैंने कल बताया था सतत दशमलव, उस सतत दशमलव को कैसे हल किया जाता है, उसका सॉल्व कैसे होता है कल मैं आपको ये बताऊंगा। उसके साथ मैं भिन्न में कैसे छोटा बड़ा पहचाना जाता है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है ये बताऊंगा। अर्थात आवर्ती और अनुवर्ती क्रम जो भिन्न का होता है, बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में, उस तरीके को आपको बताऊंगा। ये 3 topics कल हम पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, आप लगातार NGIT ऑफिशियल पर बने रहिए। यहाँ पर आपको हिंदी सिवेश सर पढ़ा रहे हैं, हिंदी की क्लासें 2 से 3 दिन हो सकता है और ना आए, क्योंकि सिवेश सर के घर पे कोई हादसा हो गया, तो सिवेश सर अभी 2-3 दिन आपके उपलब्ध नहीं रहेंगे। तब तक मैं लगातार आपको गणित और रीजनिंग पढ़ाता रहूँगा, इसलिए लगातार NGIT ऑफिशियल पर बने रहिए और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखिए। बहुत जल्द ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और फिर आपका फॉर्म खत्म होने के बाद आपको बहुत समय एग्जाम के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए अभी से लग जाइए और लगातार प्रिपेयर अपने आप को रखिए। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।